मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जहां मुरादाबाद के विकास को लेकर काम किया जा रहा है, तो वहीं अवैध निर्माण पर भी सख्ती से काम किया जा रहा है। मंगलवार को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम द्वारा गागर नदी के रकबे की पैमाइश की गई। तहसील प्रशासन के आला अधिकारियों की निगरानी में टीम द्वारा गागर नदी के दोनों तरफ पीता डालकर भूमि को नापा गया। प्राधिकरण के चीफ इंजीनियर पंकज पांडे द्वारा बताया गया कि गागर नदी की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर प्राधिकरण की टीम और तहसील प्रशासन की टीम द्वारा लगातार कार्यों को किया जा रहा है। बाढ़खंड विभाग से सहयोग की अपेक्षा की जा रही है। लगातार टीम अपना काम कर रही है। प्राधिकरण के चीफ इंजीनियर पंकज पांडे द्वारा कहा गया कि हम लगातार जनमानस को आगाह भी कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि मानचित्र की अनदेखी ना करें और सरकारी जमीनों पर निर्माण ना करें, लेकिन कुछ लोग लगातार मनमानी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाया जा रहा है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार का कहना है कि हम मुरादाबाद के सुयोजित विकास पर काम कर रहे हैं, जनता से सहयोग की अपेक्षा की जा रही है और यही चाहते हैं कि हमारा ये शहर मुरादाबाद खूबसूरत शहर बने। इसके लिए प्रयास जारी है। लगातार जनमानस को आगाह किया जा रहा है और मानचित्र की अनिवार्यता को देखते हुए सभी से अपील की जा रही है कि मानचित्र को आवश्यक पास करा लें, अन्यथा जो लोग मानचित्र की अनदेखी करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण सचिव अंजू लता का कहना है कि उनकी टीम लगातार निगरानी कर रही है। हम लोग ड्रोन के जरिए भी पूरे शहर को देख रहे हैं और अवैध निर्माण पर शिकंजा भी कस रहे हैं, लेकिन लगातार कुछ लोगों के द्वारा मनमानी की शिकायतें आ रही हैं। अब ऐसे किसी भी निर्माण को नहीं बख्शा जाएगा जहां पर मानचित्र की अनदेखी हो गई हो। होता है उस 30 दिन की जब मियाद पूरी हो गई और उनके द्वारा जो है आंशिक रूप से ही तोड़ा गया था, पूरा नहीं तोड़ा गया था। फिर हम लोगों ने अपनी टीम भेजी है और उसका परिणाम यह है कि आज वहाँ पर जो है निर्माण तोड़ा जा रहा है। यद्यपि जो है जो फार्म के मालिक हैं उनके द्वारा भी निर्माण को स्वतः ही ध्वस्त करने का कार्य किया जा रहा है फिलहाल, और आवश्यकता पड़ेगी तो प्राधिकरण जो है जो हमारे स्टैंड बाई पर वहाँ पर बुलडोजर इत्यादि है उनके माध्यम से ध्वस्तीकरण का कार्य कराया जाएगा। सर, ऐसे कितने लोग और हैं जो इस तरह के अनदेखी कर रहे हैं? देखिए, उस क्षेत्र में यही 3 फर्में थी जिनके द्वारा जो है ज्यादातर एरिया में अवैध निर्माण किया गया था, तो अभी इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। उसके अलावा जो है हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी नदी के किनारे यदि किसी व्यक्ति ने इस प्रकार का जो है उल्लंघन किया है, लैंड यूज के विपरीत जा करके अथवा ग्रीन बेल्ट में नदी के बेड में जाकर के इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया है, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। इसका चिन्हांकन ऑलरेडी चालू हो चुका है। हम उनसे अपील करेंगे। मेरी सदैव अपील रहती है कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण आपके मित्र प्राधिकरण की तरह काम करता है, तो सदैव जो है जब भी कोई निर्माण करें तो नक्शे जरूर पास करा लें। आजकल ऑनलाइन ओबी पास सिस्टम है, उसके माध्यम से नक्शे बहुत फास्ट पास होते हैं और बेहद ही ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है। कभी किसी से न तो आपको मिलने जाना है, ना किसी ऑफिस को विजिट करने की आवश्यकता है। आप अपना नक्शा पास कराएं, उसके बाद ही कराएं। अगर आप जो है नक्शा पास कराए बिना निर्माण करते हैं तो आपको आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ेगी और काफ़ी जो है इसमें आपकी जो प्रतिष्ठा है, छवि है, बहुत सारी जो संस्थाएं हैं बहुत मुश्किल से उस छवि को बनाती हैं, तो उसमें जो है निश्चित तौर पर वो छवि धूमिल होती है।